तो सबसे पहले ओपन करना है फाइल एक्सप्लोरर। आप यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकते हैं, और विंडो ऑप्शन और की दबा के भी खोल सकते हैं। तो उसके बाद क्लिक करना है नेटवर्क। नेटवर्क में आप देखेंगे यहाँ पे जाना है हमें इधर माई क्लाउड EX2 अल्ट्रा, जो नेटवर्क के सेक्शन में इधर आएगा। हाल फिलहाल अपने जो डिवाइस का नाम है वो है माई क्लाउड EX2 अल्ट्रा, तो इसके ऊपर अभी डबल क्लिक करेंगे। उसे करेंगे वैसे ये IP के साथ पूरा का पूरा इसका लॉगिन सिस्टम खुल जाएगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसा वेलकम दिखाएगा, फिर क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर इसका यूज़र मैनुअल आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पूरा का पूरी आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। और क्लिक करना है आई एग्री। फिर लिखना है द वॉल्यूम इज रोमिंग फ्रॉम अनदर WD माई क्लाउड EX2 नॉट क्रिएटेड ऑन दिस सिस्टम। ये ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ओके करना है, फिर 2-5 सेकंड कुछ लेगा। उसके बाद कैंसिल करके फिर यहाँ पे पूछना है आपको ID और पासवर्ड कौन सा रखना है। तो ये तो मैं मेरा खुद का रख दूंगा, आप चाहे तो अपना भी रख सकते हैं। ID पासवर्ड डालने के बाद करना है नेक्स्ट। ये पूछ रहा है एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर, सेव एंड एक्सेस योर कॉन्टैक्ट एनी वेयर यू हैव इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग माई क्लाउड OS फाई एप एंड वेब पोर्टल। मतलब कि आप इसको अपने ऐप से भी चला सकते हैं और वेब से भी चला सकते हैं यहाँ पे URL डाल के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाल फिलहाल इसको भी करेंगे स्किप क्लाउड एक्सेस। फिर ये पूछ रहा है कि योर प्राइवेसी इज प्रायोरिटी हेल्पिंग, मतलब ठीक है इसको डू नॉट शेयर ही करो। ऑटोमेटिक अपडेट येस। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्किप कीजिए। दैट्स इट, एन्जॉय माई क्लाउड EX2 करना है फिनिश। अब ये जो है होम सेक्शन, होम सेक्शन में क्या है कि सबसे पहले आपको आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बताई जाएगी। यहाँ पे डिवाइस का पूरा इन्फो दिया जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा नेटवर्क एक्टिविटी कितना प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पे डिवाइस एक्टिविटी CPU कितना चल रहा है, रैम कितनी चल रही है, फैन की स्पीड क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आया क्लाउड एक्सेस, तो आप देख सकते हैं ये वार्निंग का मार्क आया हुआ है, इसका मतलब इसको आया हुआ है अपडेट। ये हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हाँ आप देख सकते हैं कि 910G बता रहा है, मैंने 2 TB की हार्ड डिस्क डाली है। इसमें क्या है, जो मैंने हार्ड डिस्क डाली थी वो किसी और क्लाउड में से डाल के इसमें डाली थी, इसलिए हाल फिलहाल इसमें भी डेटा बता सकता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट होम का। सेकेंड आता है यूज़र्स। यूज़र्स में क्या है, आप इसमें काफ़ी सारे यूज़र्स बना सकते हैं। जैसे मेरा लिस्ट बना हुआ, जैसे मैं 123 बना देता हूँ। 123 में फिर इसका पासवर्ड भी डालना ज़रूरी है, पासवर्ड बिना ये आपको सेव नहीं होने देगा। 123 जो है ये भी नहीं सेव होने देगा, आपको नाम ही सेव करना पड़ेगा। तो अगर मैं नाम डालूंगा राहुल, तो राहुल करके सेव कर दूँ और अप्लाई कर दूँ, ये पासवर्ड भी 123 नहीं चलेगा। तो हम डालेंगे बड़ा RAHUL@123, बड़ा RAHUL@123। इसके अंदर पासवर्ड के अंदर कैपिटल होना चाहिए, एक स्पेशल होना चाहिए और न्यूमेरिकल होना चाहिए। फिर करना है अप्लाई। तो कुछ देर में यहाँ पे यूज़र ही बन जाएगा। अब इसमें एक ये सिस्टम है, यूज़र बनने के बाद डायरेक्ट इसका फोल्डर भी बन जाता है। सो यहाँ पे आप ग्रुप में भी बना सकते हैं और एक एक भी यूज़र बना सकते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है शेयर्स। शेयर्स मतलब फोल्डर्स, फोल्डर्स कितने बनाने हैं। अब ये तो मेरे सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, बैकअप, गाड़ी बुक, निशार्थ, नरेश, पब्लिक। अब जैसे कि समझिए पब्लिक एक फोल्डर है, तो फोल्डर जो है आप यहाँ से ही बना सकते हैं। यहाँ से इसे प्लस करना है, यहाँ पे जैसे कि मैं रखूँगा गेम्स, गेम्स रख के क्या अप्लाई। अब अप्लाई पब्लिक मतलब क्या, इसे कोई भी ओपन कर सकता है IP को खोल के, और इसे बंद करेंगे तो ये कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन है इधर यूज़र्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो यूज़र्स है, लिशार्ट एंड राहुल। तो लिशार्ट को अगर मैं चाहूँ तो लिशार्ट को मैं अथॉरिटी दूंगा, तो यहाँ से वो उसको राइट एंड रीड कर सकता है। और इसको खाली मैं रीड ओनली करूँगा तो खाली उसको देख सकता है, और इसका मतलब है इसको खोल भी सकता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन सब कुछ कर सकता है। अब राहुल को नहीं दूंगा तो ये राहुल ये वाला एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे आप काफ़ी सारे फोल्डर्स बना सकते हैं, काफ़ी सारे जो है यूज़र्स बना सकते हैं, और यूज़र्स को आप यहाँ से अथॉरिटी दे सकते हैं, और यूज़र्स आपको यहाँ से बनाना है। थर्ड ऑप्शन है एप्स। एप्स में क्या, इसमें कुछ प्री इंस्टॉलेड एप्स होते हैं पर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स, एलिफेंट ड्राइव, गूड साइनिक, आईट्यून सर्वर, जूमला, फ्लैक्स मीडिया सर्वर, PHP BB, PHP माई एडमिन, क्विक फाइंड स्टोरेज सर्वर, TV मीडिया डिवाइसेस, ट्रांसमिशन, टर्नकी सर्वर, वर्चुअल हियर, वर्डप्रेस। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना पाऊंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। यहाँ पे हम ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका सब ऐप्स का अलग अलग यूज़ है। और फिफ्थ पार्ट है क्लाउड एक्सेस। क्लाउड एक्सेस में क्या होता है कि हमें इसे ऐप से रन करवाना होता है, तो यहाँ से इसका जो है सब सेटिंग किया जाता है। तो यहाँ से अकाउंट बनाना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, सब कुछ करना होता है। हर यूज़र के लिए अलग अलग ईमेल आईडी को आप दे सकते हैं, कि आप वो जो है वेब से भी खोल सके और ऐप से भी खोल सके। सो सिक्स ऑप्शन है स्टोरेज, ये है मेन ऑप्शन। इसे रेड, रेड मतलब, रेड मतलब क्या होता है, आपको इसमें हार्ड डिस्क का जो है सिस्टम चेंज करना होता है, कि अगर आपको किसी टाइप को हार्ड डिस्क यूज़ करनी है, डबल सिस्टम में यूज़ करनी है, मिरर सिस्टम में यूज़ करनी है, या स्पिनिंग सिस्टम में यूज़ करनी है। ये डिस्क स्टेटस है, डिस्क स्टेटस में बताएगा कि आपकी हार्ड डिस्क जो है उसका काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या इशू है, पूरा का पूरा यहाँ पे उसका कुंडली आ जाएगी। ISI और वॉल्यूम वर्चुअलाइजेशन ये हमारे कोई यूज़ का नहीं है। तीसरा है सेटिंग।
सेटिंग जो है जनरल, जनरल में आप चाहे तो यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं रखूँगा यहाँ पे सिद्धू रखूँगा या कुछ भी रख सकता हूँ। और यहाँ पे हो गया लैंग्वेज का ऑप्शन, लैंग्वेज एंड क्लॉक, आप यहाँ पे लैंग्वेज एंड क्लॉक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश आपका कौन सा, यूएस कनाडा कुछ भी आपका लगता है, जैसे कि मेरा गुजरात लगता है तो मैं इसको चेन्नई कोलकाता वो मैं सेट कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आप देख सकते हैं, टाइम फॉर्मेट कैसा है, कौन सा रखना है, 12 आवर्स रखना है, 24 आवर्स रखना है। डेट फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ड्राइव स्लिप, ड्राइव स्लिप का मतलब ये है अगर काम नहीं हो तो सिस्टम स्लिप हो जाएगा। और एलईडी का सिस्टम है कि जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में लाइट का बताया था, अगर आप इसे बंद करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, इसे चालू करेंगे लाइट चालू हो जाएगी। फिर एनर्जी सेवर में थर्ड ऑप्शन है पावर शेड्यूल। पावर शेड्यूल का ये मतलब रहेगा कि आप इसे अपने हिसाब से पावर को सेट कर सकते हैं। और दूसरा वेब एक्सेस टाइम आउट, मतलब कि समझिए अगर आपने इसे वेब एक्सेस खोला के वेबसाइट के थ्रू खोला तो टाइम इट्स में ये आउट ऑफ एक्सेस हो जाएगा, जैसे कि हमारे बैंक में होता है वैसे। ये जो पावर शेड्यूल है, आप पावर शेड्यूल को भी यहाँ से सेट कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में जाके। और ये वेब एक्सेस टाइम आउट का मतलब है अगर आपने वेबसाइट के थ्रू लॉग इन किया है तो इसको 5 मिनट रखोगे तो 5 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक विदाउट एनी यूजर एक्टिविटी वो लॉग आउट हो जाएगा। ये है रिसाइकल बिन, अगर आप चाहते हो तो अपने फोल्डर्स के लिए रिसाइकल बिन भी आप शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क के बारे में थोड़ी नॉलेज हो गई, नेटवर्क एक्सेस कैसे रखना है, DHCP रखना है, स्टैटिक IP रखना है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं इसको अभी आपको वन बाय वन पार्ट्स में अभी समझाता हूँ। नेटवर्क सर्विस हो गया, स्टैटिक IP हो गया, लिंक स्पीड क्या कैसे नहीं छेड़ना है, जंबो फ्रेम को नहीं छेड़ना है, FTP एक्सेस चाहते हो तो चालू कर सकते हो, SNMP भी चालू कर सकते हो, SSH सर्वर चालू कर सकते हो, डायनामिक DNS भी चालू कर सकते हो, स्लीप मोड मतलब कि अगर यूज़ नहीं है तो ऑटोमेटिक स्लीप मोड पर चला जाएगा। विंडोज सर्विस के लिए जो विंडोज़ का सर्वर यूज़ करता है, लोकल मास्टर ब्राउजर चालू करना तो कर सकते हो, SMB प्रोटोकॉल जो है SMB 1, SMB 2, SMB 3, एंड्रॉइड मैनेजर जो है वो आप चालू करो नहीं करो कोई इसका कोई यूज़ नहीं है। वो किसके यूज़ आता है जिसका बहुत ज़्यादा ही काम हो, ये HTTP वेब डेस्कटॉप डैशबोर्ड सर्विस, मतलब आप ऑनलाइन चाहो तो इसको भी आप कहीं भी बैठे आप इसको कॉन्फिगर कर सकते हो। और रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस सेम टू सेम सिस्टम है। रिमोट बैकअप सर्वर मतलब कि अगर आपके पास एक और क्लाउड है तो आप उसका क्लाउड का जो बैकअप है वो आप इसमें से ये क्लाउड में डाल सकते हो, रिमोट बैकअप सर्वर। बट सबके लिए आपको स्टैटिक IP और पोर्ट फॉरवर्डिंग करना ही पड़ेगा। तो ये तो था इसके, जहाँ से लॉग इन करते हैं, जहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं, इसका पूरा का पूरा इंटरफेस का नॉलेज। और ये जो आप देख सकते हैं इसमें आप USB भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन से सारी आएगी। और थर्ड पार्ट आ गया यूटिलिटीज़, ये कोई भी काम का नहीं है, इसे नहीं छेड़ना है तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। नोटिफिकेशन एंड फॉर्मवेयर अपडेट, फॉर्मवेयर अपडेट में क्या करना है आपको, ये जो ऑटो अपडेट का ऑप्शन है इसे भी नहीं छेड़ना है, जो भी है ऐसा कहते जैसा का वैसा ही रहने देना है। तो दोस्तों ये था पूरा इसका ऑनलाइन डेमो, ऑनलाइन ये कैसे काम करता है, लॉगिन कैसे किया जाता है, मेन सेटअप कैसे किया जाता है। मेन सेटअप तो नहीं बोल सकते, ये नॉर्मली जस्ट मैंने इसका आपको इन्फॉर्मेशन दी कि हर एक टैप का क्या यूज़ है, हर टैप को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो ये था मेरा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि इसको कैसे एक्चुअली वर्किंग में लाना है, इसका यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों ये है मेरा थर्ड पार्ट, अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसको कैसे यूज़ में लाना है, कैसे हमें इसमें नॉर्मल डे में इसको यूज़ में लेना है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे स्टोरेज पे, स्टोरेज पे के बाद जाएंगे RAID पे, RAID पे, फिर चेंज करना है हमें RAID मोड। यहाँ क्लिक करने के बाद पूछेगा प्लीज़ नोट दैट दिस विल इंटरप्ट एक्टिव फाइल ट्रांसफर सर्विसेज फॉर द ड्यूरिंग ऑफ द ऑपरेशन, वी वांट टू कंटिन्यू। हमें कैसे भी करें कोई भी वार्निंग हमें करना है, ओके ओके। बाद ये पूछेगा क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम स्विच टू जॉब स्पैनिंग का मतलब है कि पूरी की पूरी ड्राइव एक साथ यूज़ करनी है। RAID 0 का मतलब है कि डेटा जो है वो अलग अलग ड्राइव में चला जाएगा, मतलब दो ड्राइव है तो दो ड्राइव में बढ़ जाएगा। और कंबाइन द वर्क और मोर ड्राइव टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, ठीक है हमें ये सब नहीं करना, हमें डायरेक्ट स्विच टू स्पिनिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये क्या है, ये कर रहा है ड्राइव को टेस्ट कि कौन सी ड्राइव सही है कि कौन सी ड्राइव गलत है। अगर दोनों में से कोई भी ड्राइव में कोई भी करप्टेंसी या कोई भी ड्राइव करप्ट निकली तो ये उसको बैड करके छोड़ देगा और ये आगे नहीं बढ़ने देगा। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो दोनों ड्राइव मैंने 1 1 TB की डाली उसको चेक कर रहा है। तो ये काफ़ी टाइम ले सकता है, मिनिमम मिनिमम 5 मिनट्स लेगा। तो मैं ये वीडियो को जो स्किप कर रहा हूँ और जब कंप्लीट होगा तब मैं आपको बता। तो गाइस वो चेकिंग करने के बाद जो मैंने आपको बताया कि जो ड्राइव चेक करता है उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। तो ये जो ड्राइव है दोनों ड्राइव है फॉर्मेट होके एक ड्राइव बन जाएगी, पर इस पर काफ़ी टाइम लगता है, मिनिमम मिनिमम 5 मिनट लगता है। तो ये मैं आपको शो नहीं करूँगा, अपना वीडियो जो है मैं स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस फॉर्मेट करने के बाद दोनों ड्राइव जो है सक्सेसफुली वर्किंग कर चुकी है, तो हम इस पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।